हेलो एवरीवन, आज मैं अपने रेमको सेटअप पे एक निफ्टी में ट्रेड लिया था, जहाँ से इधर से बाय किया था। और आप ये सेटिंग्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। आज मैं वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा कैसे आप भी इसको निफ्टी में यूज करके बहुत ही अच्छे से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं इसके साथ थोड़ा सा प्रोजेक्शन फॉलो किया था। जैसे आप अगर ध्यान से दोगे तो जब मॉर्निंग में मार्केट इधर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट एक रेंज में आ गया और हमारा सुपर ट्रेंड इधर बाय भी दिखा दिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं किया, मैं अभी वेट कर रहा था, ठीक ना। जब मार्केट रेंज में आया और जब इधर ब्रेकआउट क्या मिला, ठीक है ना, तो हमें इसी में ब्रेकआउट मिला। अब ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या था कि अब ऊपर कोई मार्केट में रेजिस्टेंस भी नहीं था और हमारा रेनको भी पूरा अच्छे से बाई दिखा दिया था, ठीक है ना। तो मैं बहुत ही इजीली ट्रेड लेके यहाँ से 40-50 पॉइंट में निकल गया हूँ, ठीक है। देखो, जिनके पास कम पैसा है ना, वो इसको फॉलो करके बहुत ही अच्छे से अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, ये जो मैं ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे 1240 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है हुआ है। और स्टॉप लॉस देखो सिर्फ 200 पॉइंट का, क्योंकि हमने देखो फिर यहाँ पे एक सेल का भी ट्रेड बनाया था, ठीक है ना। आप ध्यान दोगे तो इधर एक सेल का ट्रेड बनाया था, बट देखो सेल का ट्रेड आने में एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो एक ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। मैं अगर दिखाऊँ तो स्टॉप लॉस के मामले में कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिए, जिसमें से हमारा अभी भी हम 1240 रुपये नेट प्रॉफिट में, ठीक है ना। अभी देखो ये अब यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि सर रेनको साइडवेज मार्केट में कैसे काम करेगा। अभी ध्यान से देखो, अब इधर पता है कि मार्केट सेल दिखाने के बाद इधर से मार्केट ऊपर घूम गया, ठीक है, फिर बाई आया, तो अब ये एक बन गया मार्केट में एज अ रजिस्टेंस, तो आप इसको ऐसे मार्क कर लोगे, ठीक है ना। और सेम यही सेम लेवल देखो तो इसमें भी काम कर रहा है, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में। देखो सेम लेवल यहाँ भी काम कर रहा है, एक मार्केट साइडवेज रेंज में घूम रहा है, और हम रेनको पे भी ट्रेड तब लेंगे जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। देखो रेनको इधर बाई तो दिखाया, आप ध्यान से देखोगे तो रेनको इधर बाई दिखाया, बट बाई दिखाने के बाद अभी भी मार्केट में एक ऊपर की तरफ है रेजिस्टेंस। तो हम ब्लाइंडली नहीं काम कर रहे हैं, हमको बस अपना तरीका फॉलो करना है रेनको का, और लेकिन उसके साथ साथ ये देखना है कि मार्केट में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। बहुत हार्ड कोर प्रोजेक्शन भी हम यहाँ पे नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और बेस्ट पार्ट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस गया है 200 पॉइंट का और हमारा टारगेट है 1240 पॉइंट का, ठीक है ना। तो जिनके पास लाइक 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, 10,000 ऐसे कैपिटल है ना, वो इसको फॉलो करके बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो। अभी आप अगर ध्यान से दोगे तो क्रूड में और बैंक निफ्टी में मेरे कुछ ट्रेड चल रहे हैं, जिसमें एक में 2500 का प्रॉफिट, एक में 500 का प्रॉफिट, टोटल 3000 का प्रॉफिट है। और देखो बेस्ट पार्ट क्या, अभी क्रूड में कल सेल का ट्रेड मिला था मेरे को, तो मैं इस ट्रेड को लिया हूँ, ठीक है ना, वो जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, क्योंकि क्रूड थोड़ा सा साइडवेज है, बट हम सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं तो हमारा बेनिफिट क्या है कि इसको हम होल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है। हमारा एक देखो ऐसा नहीं, स्टॉप लॉस भी जाता है बट स्टॉप लॉस छोटा जाता है। देखो जैसे हमारे इधर बाई का ट्रेड आया था, मार्केट घूमा बट हम कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुए, ठीक है, हमारा लॉस ही था ये, फिर यहाँ पे हमको एक अच्छा मूव मिला था। तो क्रूड में, क्रूड की मेरी स्ट्रेटेजी पेड है, जिसको चाहिए मैं से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। अभी मैं बैंक निफ्टी में भी दिखा दूँ तो ये हमें देखो, ये हमारा ट्रेड नहीं था, ठीक है ना, ब्लाइंडली काम नहीं करते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स को फिल्टर भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड नहीं था, यही ये ट्रेड था जो हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कल एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके और आज फिर से री एंट्री मार रहा हूँ, तो जो आप 2500 का प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो होता है, ठीक है ना। अभी देखो इस वाले, इसमें कैसे कैसे आपको सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं, कैसे इस वाले सेटों को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली सुपर ट्रेंड में जाना है, इंडिकेटर में जाना है और टाइप करना है सुपर ट्रेंड, ठीक है, और ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। बट देखो इसके लिए बस एक चीज़ आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा कि आपको रेनको का पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि आपको ये वाला सेटअप कैसे फॉलो करना है, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखोगे तो जो मैं बात कर रहा था कि जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाला मार्केट बन रहा था एक रजिस्टेंस, उसका ब्रेकआउट मिला, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया हूँ, ठीक है ना। जैसे देखो अभी बहुत कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आया, बट देखो एक खास बात क्या है, आप ना स्टॉप लॉस से कभी नहीं डरोगे, कि देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाए, मान लो मैंने कभी कहीं इधर ट्रेड लिया, देखो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आप ऐसे बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। और मैं इसके साथ, मैं बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंपल इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, हमारा सुपर ट्रेंड रेनको पे इधर बाई दिखाया था और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मैंने इधर ट्रेड ले लिया, ठीक है ना। आप भी छोटे कैपिटल से ना इसको यूज करके मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो, आपको बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। छोटे छोटे कैपिटल के साथ भी मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम किया जा सकता है, ठीक है। अभी देखो ये सेटअप कैसे फॉलो करना है, सिर्फ इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो ये आप रेनको को फ्री में यूज कर पाओगे, ठीक है ना। देखो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है और टाइप करना है सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो मैं सुपर ट्रेंड लिखने के बाद
और मैं जल्दी ट्राई करूंगा कि कुछ आप लोग को फ्री में लेकर आऊं रेनको पे, ताकि आप किसी भी और ब्रोकर के साथ इसको यूज कर पाओ, ठीक है ना। सुपर ट्रेंड लगा लिए, ट्रेंड लगाने के बाद इसकी सेटिंग्स में आपको जाना है और सिंपली यहाँ पे जो ATR पीरियड है करना है इसको 20 एंड इसको करना है 4.6, ठीक है। अभी देखो हमारा सेटअप रेडी हो गया। अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा सुपर ट्रेंड बाई दिखाया था, ठीक है। हमने थोड़ा सा वेट किया, जैसे ही ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे कॉल का ट्रेड, जैसे मैं आपको दिखाया था मैंने कॉल का ट्रेड, देखो यहाँ से मूव मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो हम इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहे हैं और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा छोटा है, हम कम स्टॉप लॉस के साथ इसको अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको जो बॉक्स साइज रखना है वो रखना है 2, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाके और यहाँ पे बॉक्स साइज आप बदल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्रेम होगा 1 सेकेंड होगा, ठीक है ना। सिर्फ आज की सेटअप में एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का प्रो प्लस प्रीमियम लेना पड़ेगा, जो आपको 4-5 हज़ार के आसपास का आएगा। अगर आप उसको बाई कर सकते हो तो आप छोटी स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही अच्छा सा टारगेट निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जो आप मेरा स्टॉप लॉस देखे वो था 200 का, और आप ये टारगेट देखो, ये कोई, मैं मानता हूँ कि मैं बीच में ही इसको बुक कर लिया, मैं यहाँ पे जब ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स मिलने लगा तो मैं कई सीरियाँ बुक कर लिया, क्योंकि एक मान लो आप 6,000 लगाए, ठीक है ना, आप किसी ट्रेड में 6,000 लगाए और उस पर आपको अगर 1200-1500 का प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। और इसको आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो बैंक निफ्टी भी यूज कर सकते हो और क्रूड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है कि कैसे रेनको पे काम करना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।